टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कुछ पार्ट्स को पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डवेयर जो होता है आपका, हार्डवेयर दो पार्ट से बटा है, फर्स्ट सीपीयू, सेकंड क्या पेरिफेरल। हम लोगों ने सीपीयू पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जिसको भी डाउट होगा मेरे पिछले वाले वीडियो में जाके वहाँ जाके क्लियर कर ले और पढ़ ले, दोबारा से रिविजन कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड आपका पेरिफेरल। इसको अगर एक बार वीडियो पॉज करके तो लिख लीजिए, आपको आसानी होगा समझने में, ठीक है। इसके बाद देखिए पेरिफेरल्स क्या होता है। दोस डिवाइसेस दैट मीट्स अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड पेरिफेरल्स। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के आसपास होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जो भी डिवाइस इनपुट है आउटपुट है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरिफेरल्स बोलेंगे। और जो पेरिफेरल्स जो होता है आपका कितने पार्ट से बटा हुआ है, थ्री पार्ट में। फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस, सेकेंड आउटपुट डिवाइस, थर्ड क्या है, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। इनपुट क्या होता है, वैसा डिवाइस जिससे डेटा को इन कराते हैं। आउटपुट क्या होता है, वैसा डिवाइस जहां पर डेटा इन करा होता है रिजल्ट मिलता है। और बैकिंग स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, वैसा डिवाइस जिससे हम बैकअप मार सकते हैं, ठीक है। देखिए तो डेफिनेट किया हुआ, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इनपुट डिवाइस क्या होता है, दोस डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जिसके सहारे से, जिसको यूज किया था किस लिए, डेटा को इंटर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, वहाँ थर्ड या फोर्थ से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आप जो इनपुट पढ़े होंगे तो वहाँ समझे नहीं है, फिर रट्टा मारे कि इनपुट में ये डिवाइस आता है, उसके मतलब इनपुट होता क्या है डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ याद किए होंगे, एग्जाम में लिखे होंगे, बट वो इसके बाद डिटेल करेंगे यहाँ पर कि इनपुट क्या होता है। इनपुट ऐसा डिवाइस होता है जिससे डेटा को इन कराते हैं कंप्यूटर के अंदर, डेटा को इन्फॉर्मेशन को कुछ भी सूचना इन कराते, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी जिस डिवाइस के सहारे हम डेटा को इन कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए देर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस, कुछ इनपुट डिवाइस है जैसे में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, BCR, OCR, OMR, लास्ट वेब कैमरा, इस तरह का और भी डिवाइस और भी हो सकता है। माइक हो गया, स्टेज माइक हो गया, आपका जो होता है टच होता है वो इनपुट ही होता है, कैमरा होगा वो इनपुट ही होता है। देखो लोग इसको डेफिनेट करते हैं यहाँ पे, कीबोर्ड क्या होता है देखते हैं, कीबोर्ड क्या है इसके बाद देखते हैं। मैं कीबोर्ड के बारे में फर्स्ट नंबर क्या था, कीबोर्ड था। कीबोर्ड क्या होता है पढ़ते हैं कीबोर्ड के बारे में, चलिए देखते हैं। कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड। देखिए यहां से कीबोर्ड स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की दुनिया की कीबोर्ड जो है वो सबसे विख्यात और प्रथम इनपुट डिवाइस है, यानी इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू एंटर अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक इनटू द कंप्यूटर। यानी किसके लिए यूज किया जाता है, ये अल्फाबेट और न्यूमेरिक को एंटर करने के लिए, कहाँ, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। देर आर वन एंड वन कीज इन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में 101 बटन की होते हैं, इंक्लूडिंग अल्फाबेट, नंबर्स, सिंबल्स और फंक्शन, जिसमें कि नंबर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं यानी ABCD, नंबर्स होते हैं 0 to 9, सिंबल्स होते हैं @, # वगैरह वगैरह, और फंक्शन जिसमें F1, F2 यानी F12 तक होते हैं, ठीक है। यानी कीबोर्ड में क्या होता है, 101 बटन कीज होते हैं जिसमें कि अल्फाबेट, नंबर, सिंबल्स और फंक्शन भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू एक्टिवेट एनी फंक्शन, यानी इस कीबोर्ड इस इनपुट डिवाइस के सहारे हम किसी भी फंक्शन को, ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, कहाँ पे, जो मॉनिटर स्क्रीन में प्रेजेंट है वो। जैसे एग्जांपल, अगर कहीं पे बीच में पॉपअप मेन्यू खुलता है, पॉप मेन्यू क्या होता है, पॉप मेन्यू एक ऐसा मेन्यू है जहाँ पे एक ब्लिंक कर खुलता है, कोई ऑप्शन पे क्लिक किए ब्लिंक, उसके बारे में ऑप्शन, जिस मेन्यू मेन्यू से क्या बोलते हैं हम, पॉप मेन्यू बोलते हैं। उसी तरह से जब कहीं पे आता ओके या कैंसिल लिखा हुआ, तो उसको एंटर के सहारे हम ओके भी कर सकते हैं और बैक के सहारे कैंसिल भी कर सकते हैं। इसलिए माना जाता है कीबोर्ड से भी कुछ कुछ ऑप्शन को एक्टिवेट हम लोग
कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे माउस क्या होता है। माउस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्राइमरी इनपुट डिवाइस। जितना वैल्यू कंप्यूटर की दुनिया में कीबोर्ड का है, उतना ही वैल्यू माउस का भी यहाँ पे माना है। कंप्यूटर कीबोर्ड की तरह ही, सॉरी माउस कीबोर्ड की तरह ही आपका क्या है, विख्यात और प्राइमरी इनपुट प्रथम इनपुट डिवाइस है ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। क्या करता है ये, कर्सर के मूवमेंट, यानी उसके मूवमेंट होता है कर्सर के स्क्रीन पे, उसको कंट्रोल करता है। एंड एक्टिवेट एनी ऑप्शंस दैट प्रेजेंट ऑन मॉनिटर स्क्रीन। ऑप्शन को एक्टिवेट करता है वैसे ऑप्शंस को जहां पे जो स्क्रीन पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए आपको एक्टिवेट करने का इस दोनों से कर सकते हैं, आसान कौन होता है, कर्सर का। अब कर्सर को तुरंत मूव करें, सपोज कि आपका यहां पे कर्सर है, यहां कर्सर पुट अप किया, आपको यहां एक्टिवेट करना है, तो कीबोर्ड से आसान नहीं कि आप यहां से आ जा सके तुरंत, बट माउस से बिल्कुल क्या होता है, इजी होता है। इसलिए किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए माउस जो होता है बहुत ही इजी ये होता है। ठीक है, देयर आर टू बटन्स इन माउस। माउस में कितना, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन और राइट बटन। लेफ्ट बटन को सिंगल क्लिकिंग बोलते हैं और राइट बटन को डबल क्लिकिंग बोलते, सॉरी लेफ्ट बटन को डबल क्लिकिंग और राइट बटन को सिंगल क्लिकिंग बोला जाता है। ठीक है, आपका स्कैनर है, स्कैनर क्या होता है, आप लोग स्कैनर बहुत जगह देखा होगा, मॉल में है, किसी दुकान में है, या किसी गुड्स आइटम के कोडेड टैग को स्कैन करते हैं। किससे करते हैं, स्कैनर से करते हैं। स्कैनर क्या देखते हैं, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी इन दोनों की तरह क्या है, वो इनपुट डिवाइस है दैट कॉपीज द पिक्चर डिजिटल फॉर्म। यानी पिक्चर क्या करता है, कॉपी करता है, पिक्चर कॉपी करता है किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब जैसा आपका पिक्चर यहाँ पे है वैसा ही सेम पिक्चर कॉपी और कंप्यूटर फीड कराया था। इस वजह से मानते हैं कि स्कैनर क्या है आपका, इन दोनों की तरह इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कैप्चर एंड स्कैन द इमेजेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इस डिवाइस के सहारे हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं। किस चीज को, कोई गुड्स पे आप लोग देखे होंगे बारकोड लगा होता है इस तरह से, वो सब किससे स्कैन होता है, स्कैनर से स्कैन होता है। वो सब बारकोड आगे पढ़ेंगे, बट स्कैनर से क्या, वो सब स्कैन होता है। ठीक है, टेक्स्ट ग्राफिक्स के साथ एंड फीड इनटू कंप्यूटर, स्कैन करके डेटा को इंफॉर्मेशन को कहाँ फीड करते हैं, कंप्यूटर में। आज के क्लास में इनपुट डिवाइस के तीन डिवाइस को कवर किया, कीबोर्ड को, माउस को, स्कैनर को। आज के वीडियो में इतना ही, और बाकी जो बच गए इनको वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो में कहीं दिक्कत हुआ हो, कहीं प्रॉब्लम हुआ हो, आप लोग नोट्स तैयार करते रहिएगा, वीडियो को पोस्ट करके नोट्स लिख लीजिए। कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो घर पर बैठे हैं उनको ये कंप्यूटर कोर्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।